हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। हम नशे के ऊपर काफ़ी समय से बात कर रहे हैं। आज का वीडियो भी उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है। आखिर क्यों हम नशे को छोड़ ही नहीं पाते? हम इतने प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, बाबा या चेलाओं के पास भी जाते हैं, या फिर अपने दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, उनके नंबर ब्लॉक कर देते हैं, उस जगह पे जाना छोड़ देते हैं, फिर भी हम नशे को छोड़ नहीं पाते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। मेरे वीडियो को अंत तक देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर नशे से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो बहुत सारी अवेयरनेस का होना आपको बहुत ज़रूरी है। नशे से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ हमें अपने दोस्तों को छोड़ना या उस जगह पे जाना यही काफ़ी नहीं है, या फिर सिचुएशन से बचना यही काफ़ी नहीं है, बल्कि नशे से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, नशे को छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों पर और भी काम करना पड़ेगा जिनके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती। जब कोई भी व्यक्ति नशा छोड़ता है, नशा चाहे सिगरेट का हो, बीड़ी का, भांग, शराब, चिट्टा या कोई भी नशा हो, जब कोई भी व्यक्ति नशा छोड़ने का प्रयास करता है तो बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम जो हैं वो सामने निकल कर आते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति नशा छोड़ता है तो उसको बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बेचैनी होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन या फिर डिप्रेशन फील होना, पूरी पूरी रात नींद ना आना, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। और जब व्यक्ति को ये लगता है कि ये मेरे साथ अब क्या हो रहा है, तो वो एकदम से डर जाता है, घबरा जाता है और वो दोबारा फिर नशे की तरफ चला जाता है, यानी कि उसका रिलैप्स हो जाता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम नशे की छोड़ने की तरफ प्रयास करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम जो हैं ये आने ही हैं। अगर आप इन विड्रॉल सिम्टम को समझ जाते हैं तो आप 15-20 दिन के लिए आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना है, थोड़ा पेशेंस रखनी है, अपने आप को मोटिवेट करना है, थोड़ा हिम्मत रखनी है। और बहुत ज़रूरी है कि उस दौरान आपके परिवार वाले भी आपका साथ दें, आपको इमोशनल सपोर्ट प्रदान करें। इसके अलावा डॉक्टर की हेल्प बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप नशा छोड़ते हैं और विड्रॉल सिम्टम आते हैं तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 10-15 दिन जो है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए डॉक्टर जो है वो उसके ऊपर वर्क करते हैं। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करा जाता है, उसके साथ साथ जो भी विड्रॉल सिम्टम आपके सामने आते हैं उनके ऊपर जो है वो डॉक्टर वर्क करता है। उसमें काउंसलर की भी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ही आपको एंग्जाइटी होती है या फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें अगर सामने आती हैं तो काउंसलर की हेल्प और डॉक्टर का जो मेडिसिन है और सलाह वो बहुत ही मायने रखती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि जब आप नशा छोड़ेंगे या छोड़ने का प्रयास करेंगे, ये सारी चीज़ें ये नेचुरल वे में आपके साथ होनी ही हैं, तो इसे घबराना नहीं है, बल्कि उन अगर 15-20 दिनों को आप अच्छे से निकाल लेते हैं तो आप अपने लिए एक दो कदम जो हैं वो नशे से सुधार के लिए आगे आप चले जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति नशा छोड़ने का प्रयास करता है उसके पास पूरी जानकारी नहीं होती, उसको इतना पता नहीं होता, इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि नशा छोड़ने के साथ साथ क्या सारी दिक्कतें आएंगी जिनका मुझे फिर जो है वो सामना करना है। अगर व्यक्ति को पता है कि अगर मैं नशा छोड़ने जा रहा हूँ तो कुछ एक चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे और मुझे उन चैलेंजेस को डट कर उनका सामना करना है, अगर हमें अवेयरनेस नहीं होगी तो हम इन चीज़ों से घबरा जाएंगे और फिर दोबारा फिर रिलैप्स हो जाएगा। और यही होता है, अक्सर यही होता है लोगों के साथ कि वो थोड़े दिन तो छोड़ते हैं, जब उनके साथ बहुत ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम सामने आने लगते हैं तो वो दोबारा डर कर घबरा कर नशे की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं नशा मुक्ति केंद्र के साथ भी काम करती हूँ, वहाँ अपनी सर्विसेज देती हूँ, तो हम वहाँ देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है नशा मुक्ति केंद्र में आता है तो शुरू के 10-15 दिन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है उनके साथ रहती है, क्योंकि बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स उनके आते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, घबराहट होना, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होना, और क्योंकि नशा नहीं मिलता है तो उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी और गुस्सा, चिड़चिड़ापन हो जाता है। कभी कभी तो लोग सेल्फ हार्म तक कर लेते हैं। इसके अलावा अगर परिवार में है तो परिवार के साथ मारपीट करना, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं।
लेकिन 10-15 दिनों के जो विड्रॉल सिम्टम है उसके बाद जब बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है मेडिसिंस के थ्रू और काउंसलिंग के साथ साथ जब वो चीज़ें सही हो जाती हैं तो 15-20 दिनों में जो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है उसको सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं क्योंकि अब उसके सिम्टम्स भी बहुत कम हो जाते हैं और वो रिकवरी की तरफ जो है आगे बढ़ रहा होता है। तो जब भी आप नशा छोड़ने की कोशिश करें मतलब उसकी तरफ आप कदम बढ़ाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें होंगी। मुझे 15-20 दिनों के लिए पेशेंस रखनी है, हिम्मत रखनी है, परिवार का सपोर्ट लेना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, काउंसलर की हेल्प लेनी है। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आप सक्सेसफुली नशे से दूर हो सकते हैं। नशे के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप उन सभी वीडियोस को सुने, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट्स लिखकर जरूर भेजें। नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।